हेलो एवरीवन, पुनप्रथम मैं सकुके मोर चेनेल आनेक नतुन भिडिओ स्वागत जानसो। आरम्भ जेनेरल नलेजर आन एट मक टेस्ट, इते प्रश्न आसरा और जेनेरल नलेजर प्रश्न विभिन्न धरण कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बी एड एंट्रेन्स टेस्ट पुलिस एग्जाम ए पी डि सी एल जिको एग्जाम अति प्रयोजन। गति के आज प्रथम जी प्रश्न, प्रथम प्रश्न तो हो वाज द फर्स्ट एडिटर अफ आसामीज मेगजिन जोनी, अर्थात जोनी आलोचन प्रथम सम्पादक कौन आपशन दिया आज लक्ष्मीनाथ बेजबरवा, चंद्रकुमार अगरवाला, सत्यनाथ बरा, आनंद चंद्र अगरवाला। गति के चार अपशन भर कुद्ध हम पे इे गए शुद्ध उत्तर तो किशन नम्बर ख बी चंद्रकुमार अगरवाला प्रथम सम्पादक जोनी आलोचन। यार पिछर प्रश्न, हाउ इज अल्सो नोन एज विहगी कवि, अर्थात विहगी कवि बुलि काक जाना जाए, अपशन दिया आछे रत्नकान्त बरकटकी, जितेन्द्रनाथ द्वारा, रघुनाथ चौधरी, कमलाकान्त भट्टाचार्य। गति के चार भर कुद्ध हम पे गति के शुद्ध उत्तर तो हम रघुनाथ चौधरी हम, रघुनाथ चौधरी विहगी कवि क्या है। बाकी प्रथम जी दिया आज रत्नकान्त बरकाकती शेवाली कवि क्या है, तार पास जतीन्द्रनाथ द्वारा बनफुलर कवि क्या है और कमलकान्त भट्टाचार्यक अग्निकवि क्या है। गति के मन रख और विहगी क्या क्या है रघुनाथ चौधरी। यार पिछर प्रश्न तो लाओ, पिछर प्रश्न तो कि कैसे द फर्स्ट आसामीज रोमांटिक पोएम बन कुवरी वाज रिटेन बाय, अर्थात प्रथम अहमिया रोमांटिक कविता बन कुवरी लेखक कौन आपशन दिया आज डिम्बेश्वर नेग, चंद्रकुमार अगरवाला, महेंद्रनाथ डेका फुकन, बेणुधर राजखोवा। गति के शुद्ध उत्तर कि हम अपन नम्बर बी चंद्रकुमार अगरवाला आसे रोमांटिक कवितार प्रणेता रोमांटिक प्रथम रोमांटिक कविता लिखी चंद्रकुमार अगरवाल जीटर नाम आज बन कुवरी। यार पिछर प्रश्न, हाउ वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी अफ दसमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा, अर्थात अहमिया भाषा उन्नति साधिनी सभार प्रथम सम्पादक कौन आपशन दिया आज बेणुधर राजखोवा, शिवाराम शर्मा बरदलै, लक्ष्मीप्रसाद प्रसाद सलिहा, लक्षेश्वर शर्मा। गति के चार भर कौन प्रथम सभापति अहमिया भाषा उन्नति साधिनी सभार। यार शुद्ध उत्तर कि हम अपन नम्बर वि शिवाराम शर्मा बरदलै आज प्रथम सम्पादक। यार पिछर प्रश्न, हुईज आसामीज राइटार इज अल्सो नोन एज बकुल बनर कवि, अर्थात कौन अहमिया लेखक बकुल बनर कवि क्या है। अपशन दिया आज अपने सम्मुख विष्णुराम मेधी, बीरेन्द चंद्र बरुआ, आनंदराम ढेकियाल फुकन और आनंद चंद्र बरुआ। गति यार शुद्ध उत्तर कि हम अपन नम्बर डी आनंद चंद्र बरुआ कि क्या है बन फुलर कवि क्या है। यार पिछर प्रश्न, हु हेड रिटेन द बुक नेम्ड प्रहल्लाद चरित, अर्थात प्रहल्लाद चरित किताब कौन लिखी, अपशन दिया आज हेम सरस्वती, हरिवर विप्र, माधव कंदुली, कविरत्न सरस्वती। गति यार शुद्ध उत्तर कि हम प्रहल्लाद चरित कौन लिखी, अपशन नम्बर ए हेम सरस्वत प्रहल्लाद चरित लिखी। यार पिछर प्रश्न, द आसाम सिल्क इंडस्ट्री इज मेनलि सेंटार्ड इन, अर्थात रेशम शिल्प मूलत कत अवस्थित सिल्क इंडस्ट्री, अपशन दिया आज हाजू, रंगिया, बटद्रवा ने सोलकुची। गति यार शुद्ध उत्तर कि हम अपन नम्बर डी सोलकुची कि आज सिल्क इंडस्ट्री आ। यार पिछर प्रश्न, हाउ हेड एस्टेब्लिश द बरपेटा सत्र इन बरपेटा, अर्थात बरपेटा सत्र कौन निर्माण करपशन दिया शंकरदेव, माधवदेव, दामोदरदेव, गोपाल आता। और यार जो शुद्ध उत्तर ये कि हम अपन नम्बर बी माधवदेवे निर्माण कर। पिछर प्रश्न, हाउ हेड एस्टेब्लिश द बर्मन डेन्सिटी बर्मन डेन्सिटी इन आसाम, अर्थात बर्मन वंश कौन प्रतिष्ठा करपशन दिया पुष्यवर्मन,
समुद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन, भूति बर्मन। और यार शुद्ध उत्तर तो कि हम अपन नम्बर ए पुष्य बर्मने बर्मन वंश प्रतिष्ठा कर। पिछर प्रश्न हुईज स्वर्गदेव शिफ्टेड द कैपिटल अफ आहोम किंगडम फ्रम गड़गांव टू रंगपुर, अर्थात कौन जन स्वर्गदेव आहोम राज्य राजधानी गड़गांवर पर रंगपुर स्थानान्तर कर। इम्पर्टेन्ट प्रश्न है और यार ऑप्शन दिया है अपना सम्मुख गदाधर सिंह, शुक्रंगफा, शिव सिंह, रुद्र सिंह। और यार शुद्ध उत्तर कि हम ऑप्शन नम्बर डी रुद्र सिंह। रुद्र सिंह कि आहोम राज्य राजधानी गड़गांवर पर रंगपुर स्थानान्तरित कर। पिछर प्रश्न हुईज आहोम किंग इज अल्सो नोन एज बामुनी कोर, कौन जन आहोम रजाक बामुनी कोर बुलियो जाना जाए। ऑप्शन दिया आछे सुताफा, सुडांगफा, सुसेंगफा ने सुकाफा। इतने जो शुद्ध उत्तर टी अपन नम्बर वि सुडांगफा की क्या बामुनी कोर क्या है। यार पिछर प्रश्न हो हेड डिस्कवर्ड टी प्लांट्स इन आसाम इन इयर 1823, अर्थात 1823 सन कोने चाह बगिचा प्रतिष्ठा कर। ऑप्शन दिया आछे रेमंड डब्ल्यू वेबर, नाथान ब्राउन, ओलिवर थॉमस कार्टर, रॉबर्ट ब्रुस। और यार शुद्ध उत्तर कि हम रॉबर्ट ब्रुस रूप की प्रथम पुन प्रथम टी प्लान कर 1823 सन। यार पिछर प्रश्न हो हेड कन्फार्ट गोपीनाथ बरदलै विथ द टाइटल लोकप्रिय, तो आम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जानू गए लोकप्रिय उपाधि गोपीनाथ बरदलै कोने दिल कोने प्रदान कर। ऑप्शन दिया आछे जयराम दास, दोलाराम, दौलतराम, शाहिद फजल अली, विष्णु शाहे, ब्रास कुमार नेहरू। गति यार शुद्ध उत्तर कि हम ऑप्शन नम्बर ए जयराम दास, दौलतराम कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै लोकप्रिय उपाधि प्रदान कर। पिछर प्रश्न हुईज वन इज द सेकेंड मोस्ट पपुलर सिटी इन आसाम, अर्थात द्वितीय जनबहुल शहर कौन, तो प्रथम जनबहुल शहर कौन है। प्रथम जनबहुल शहर आम जानव लगे प्रथम जनबहुल शहर से गुवाहाटी और जी सेकेंड जनबहुल शहर सीट हम कि सिलचर, डि हम शुद्ध उत्तर। यार पिछर प्रश्न द आसाम एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, अर्थात भारत जोरहाटर कृषि विश्वविद्यालय कि सन स्थापन कर। इम्पर्टेन्ट प्रश्न है ऑप्शन दिया आछे 1962, 1965, 1969, 1972। और यार शुद्ध उत्तर कि ऑप्शन नम्बर सी 1969 कृषि विश्वविद्यालय स्थापन कर। जोरहाट आसे और कि तारीख जो आए तेन 1 अप्रिल तारिखे प्रतिष्ठा कर स्थापन कर। यार पिछर प्रश्न द फर्स्ट सुगर मिल इन आसाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अर्थात प्रथम चीनीकल कौन ठाई स्थापन कर। ऑप्शन दिया से बरुआ, बामुनगांव, बोकाजान, सारगोला, नामरूप। और यार शुद्ध उत्तर कि हम ऑप्शन नम्बर ए बरुआ बामुनगांव, कत आज देरगावत आसे और कि सन 1958 सन स्थापन कर प्रथम सुगार मिल सेनिकल कत बरुआ बामुनगांवत कत आज देरगावत आसे और कि सन 1958 सन मन रख। यार पिछर प्रश्न आसाम्स ओनली केमिकल फार्टिलाइजार्स प्लांट इज लोकेटेड इन, अर्थात एकमात्र रासायनिक सार कारखाना कत अवस्थित। ऑप्शन दिया आछे बंगाईगांव, नामरूप, जागिरुड, बोकाजान, ये चारिटार भर कौन शुद्ध हम यारे। गति यार शुद्ध तो कि हम नामरूप हम, नामरूप एकमात्र रासायनिक सार कारखाना तो आसे जार नाम ब्रह्मपुत्र वेली फार्टिलाइजार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में जो कब जाओ BVFCL ब्रह्मपुत्र वेली फार्टिलाइजार कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यू कि सन हेरी कर 5 अप्रैल तारिखे, 5 अप्रैल तारिखे प्रतिष्ठा कर। कौन ठाईत
নাম রূপত আছে। ইয়ার পিছৰ প্ৰশ্ন, হুইজ আহোম কুইং বয়েল্ড দ্য শিৱদৌল ইন শিৱসাগৰ, অৰ্থাৎ কোনজন আহোম ৰাণীয়ে দৌল শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই অপশ্যন দিয়া আছে মলাগা বড়ো, অম্বিকা কুঁৱৰী, ফুলেশ্বৰী নে কুৰঞ্জনায়নী। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি, অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে কি কি কাৰ পত্নী আছিল? স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী আছিলে, আৰু সেই তাৰ নামতে কি শিৱদৌলটো স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত জাতিংগা ভিলেজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰ্থাৎ জাতিংগা গাঁওখন কোনখন জিলাত আছে? অপশ্যন দিয়া আছে ডিমা হাছাও, কাছাৰ, পিছত কৰিমগঞ্জ আৰু কাৰ্বি আংলং। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ এ, ডিমা হাছাও। ডিমা হাছাও জিলাত কি আছে? জাতিংগা গাঁওখন আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যাওঁ, হু ইজ অলছো নোন এজ গীতিকবি, কাক গীতিকবি বুলি জনা যায়? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰভাতী প্ৰসাদ বৰুৱা, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে, ভূপেন হাজৰিকা, ফণী শৰ্মা। গতিকে গীতিকবি বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো আছে, এইটো পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা কি বুলি কয়, এইটো স্পেলিং ভুল হৈ আছে। ইয়াতে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা কি বুলি কয়? গীতিকবি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এইকেইটা প্ৰশ্নই আজি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে কেইটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই লগৰ আপোনাৰ লগৰবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেলটো দবাই থ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ।